11 रोजा दौरे के बाद वाघा बॉर्डर लाहौर पहुंचने पर सेनेटर बाबर अवान का कहना था कि पीपल्स पार्टी में किसी सतह पर कोई इख्तलाफात नहीं और वो आज भी पीपल्स पार्टी के कारकुन है। उनका कहना था कि वो तौहीन अदालत केस में गवाह बनने को तैयार थे, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने ही उनकी गवाही मुस्तरद की। इस्लामाबाद बार से अपने नाम की तख्तियां उतारे जाने के सवाल पर उनका कहना था कि पार्टियां नामों से नहीं नजरियात से चलती हैं, वो एक नजरियाती कारकुन है और मुकदमात में वकला बदलते ही रहते हैं। बाबर अवान ने मोहतात रवैया अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए माफीनामे पर गुफ्तगू से गुरेज किया। मैंने भुट्टो रेफरेंस सदर के साथ मिलकर सोचा, उसको लिखा, उसको दायर किया, उसको एंटरटेन करवाया और उस पर मेरे जो बहस है मेरी साइड की वो मैंने मुकम्मल की, ऑर्डर शीट में लिखा हुआ है। इसलिए वकील बदलते रहते हैं, रूटीन की बात है। मेरी किसी से नाराज़गी नहीं है, इसलिए कि सियासत उसूल पे होती है, नज़रिए पे होती है, राजीनामे और नाराज़गी पे नहीं होती। खुद को पीपल्स पार्टी का नजरियाती कारकुन कहने वाले सेनेटर बाबर अवान के नजरियात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो मुल्क के बड़े बड़े सियासतदानों और वकला को जुल देने के साथ साथ अपना सामान उठाकर लाने वाले कुलियों को भी धोखा देकर उनकी मजदूरी दिए बगैर रवाना हो गए। कुलियों ने बाबर अवान की जानिब से मजदूरी ना दिए जाने के इकदाम पर सख्त एहतजाज किया, जिनका कहना था कि भारत जाते वक्त भी बाबर अवान ने लारा लगाया और वापस आकर भी मजदूरी नहीं दी। जान लगे हमने सामान उठाया, हमने पता नहीं था बाबर साहब का या दूसरों का सामान इकट्ठा ही था। जान लगे कुछ नहीं मिला हमको, आन लगे सामान हमने उठाया, कहा भी उन्होंने, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया हमको। खाली दावा करते हैं मजदूरों की पार्टी, कोई पार्टी पुलटी नहीं मजदूरों की। सेनेटर बाबर अवान पीपल्स पार्टी के नजरियाती कारकुन है या नहीं, ये तय करना तो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन का हक है। तहम मजदूर की मजदूरी अदा न करना किसी सूरत दुरुस्त अमल नहीं। कैमरामैन मोहम्मद फारूक के साथ ताहिर जाफरी, वक्त न्यूज, लाहौर।